प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी आज भी हमारे सामने आईने की तरह है। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया, लेकिन बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद की कहानी में काकी आज भी प्रासंगिक है। बुजुर्गों की बात चलती है तो प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की मार्मिक कहानी बूढ़ी काकी याद आ ही जाती है। बूढ़ों को लोग नसीहत देते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, अपमान करते हैं और उनकी धन संपत्ति के प्रति हमेशा लालायित रहते हैं। प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी आज भी हमारे सामने आईने की तरह है। बूढ़ी काकी के माध्यम से समाज परिवार की उस समस्या को उठाया है जहां बूढ़ों से उनकी जायदाद संपत्ति लेने के बाद उनकी उपेक्षा करने लगते हैं। बूढ़ी काकी में जीव के स्वाद के अलावा अन्य कोई इच्छा नहीं बची थी। विधवा का जीवन बिताते हुए उन्हें 5 वर्ष हो चुके, उनके जवान बेटे भी असमय मर गए थे। इस संसार में ऐसा कोई नहीं था जिसे बूढ़ी काकी अपना कह सके। मानवीय करुणा की भावना से ओतप्रोत बूढ़ी काकी कहानी है। मनुष्य की स्वार्थी भावनाओं का घृणित एवं विभत्स रूप चित्रित किया गया है। कहानी का प्रारंभ करते हुए लेखक ने मानव जीवन के वृद्धावस्था और बाल्यावस्था को एक समान देखा है, इसमें कोई शक नहीं है। बूढ़ी काकी में जीव के स्वाद के अलावा कोई इच्छा नहीं थी। जैसे छोटे बालक होते हैं, उन्हें स्वाद के अलावा मान अपमान कुछ भी नहीं समझता, उसी तरह बूढ़ी काकी को भी स्वाद के लिए मान अपमान कुछ भी महसूस नहीं होता था। उनके जवान बेटे भी असमय मर चुके थे। इस संसार में ऐसा कोई नहीं था जिसे काकी अपना कह सके। था तो केवल उनका एक दूर का भतीजा बुधिराम। भले मानुष पंडित बुधिराम ने बूढ़ी काकी के सामने लंबे चौड़े वादे किए, वादे करके काकी की सब संपत्ति अपने नाम लिखवा ली। पैसे का लालची बुधिराम बहुत जल्दी ही बदलने लगा। बुधिराम की पत्नी रूपा भी व्यवहार से कठोर थी, लेकिन भगवान से उसे डर लगता था, इसीलिए वह बूढ़ी काकी से बुरा व्यवहार करते हुए डरती थी। बुधिराम और उसकी पत्नी का व्यवहार बूढ़ी काकी के प्रति दिन पर दिन कठोर होता चला गया। यहाँ तक कि बुढ़िया की जायदाद से 100-150 रुपए प्रतिमाह की आमदनी थी, लेकिन काकी भोजन तक के लिए तरसने लगी। बूढ़ी काकी जीभ के स्वाद के आगे विवश होकर रोने चिल्लाने लगती थी। हाथ पैर से लाचार बूढ़ी काकी जमीन पर पड़ी रहती और अपने प्रति उपेक्षा भरे व्यवहार पर चीखती चिल्लाती रहती, क्योंकि बेचारी अपना सब कुछ खो चुकी थी। बुधिराम के जाल में फंसकर पैसे भी गंवा चुकी थी और उसके बदले में उन्हें उपेक्षा मिलती थी, भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। इस सब के आगे बूढ़ी काकी के पास एक ही रास्ता था, अपनी भड़ास निकालने का, चीखना चिल्लाना और रोना। बुधिराम के दोनों बेटे भी उसे चिढ़ाते, परेशान करते और खुश होते थे। यहाँ तक कि वे दोनों बूढ़ी काकी के ऊपर अपने मुंह का पानी भी थूक देते थे। लेकिन बुधिराम की बेटी लाडली बूढ़ी काकी से बहुत प्यार करती थी। लाडली भाइयों से तंग होकर बूढ़ी काकी की कोठरी में आ जाती थी और चना चबेना जो कुछ भी होता वह काकी के साथ मिल बांट कर खाती थी। कुछ समय बाद बुधिराम के बेटे मुखराम की सगाई थी, जिसमें भाग लेने के लिए काफी मेहमान आए थे। सारे गाँव में खुशी का माहौल था। चारपाइयों पर आराम कर रहे मेहमानों की नाई लोग सेवा कर रहे थे, कहीं भाट प्रशंसा के यशगान कर रहे थे। बुधिराम की पत्नी रूपा को भी औरतों से फुर्सत नहीं थी, मेहमानों से फुर्सत नहीं थी। दौड़ दौड़ कर इधर से उधर भाग रही थी, व्यवस्था कर रही थी। हलवाई भट्टियों पर काम कर रहे थे, कहीं सब्जियां पक रही थी तो कहीं मिठाइयां बन रही थी। खाना पकने की सुगंध सारे घर में फैली हुई थी। भीतर ही भीतर बूढ़ी काकी का मन उन सुगंधों से ललचा रहा था, परंतु वह सोच रही थी कि जब उसे भरपेट भोजन ही नहीं मिलता तो मिठाई और कचौड़ी कौन खिलाएगा। रह रह कर काकी की जीभ लपलपा रही थी। और कोई दिन होता तो वह रोकर चीखकर सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेती, लेकिन शुभ अवसर पर रोना अपशकुन होगा, इस डर से बेचारी चुपचाप बैठी रहती। धीरे धीरे काकी का मन बेकाबू हो चला और उकड़ू होकर हलवाई के कड़ाहे के पास जाकर बैठ गई। अचानक रूपा की नजर बूढ़ी काकी पर पड़ी।
तो आग बबूला हो उठी और बूढ़ी काकी को खूब भला बुरा कहा। अपमानित होकर भी बूढ़ी काकी कुछ नहीं बोली और वैसे ही रेंगती हुई चुपचाप अपनी कोठरी में चली गई। काफी समय बीत जाने के बाद भी बूढ़ी काकी की किसी ने भी सुध नहीं ली तो उनका मन फिर बेचैन हो उठा। तरह तरह के विचार उसके मन में आने लगे। सभी लोग खा पी चुके होंगे, तेरी याद किसी को नहीं आएगी। इसी बीच उनकी भूख जोर पकड़ने लगी और हाथों के बल सरकती हुई लोगों के बीच जाकर पत्तल पर बैठ गई। लोग आश्चर्य से देख ही रहे थे कि बुधिराम की नजर उस पर पड़ गई। उस बेचारी बूढ़ी काकी को बुधिराम ने दोनों हाथों से उठाकर कोठरी में लाकर पटक दिया और खूब डांट लगाई। वह यह भूल गया कि आज उसे जो कुछ सम्मान मिल रहा है वह सब बूढ़ी काकी की संपत्ति के कारण ही है। रह रह कर बूढ़ी काकी स्वयं को ही कोसती रही। कभी सोचती कि वहाँ नहीं जाना चाहिए था, बिना खाए मर तो नहीं जाती। इतना बुरा व्यवहार होने पर भी बूढ़ी काकी का मन दावत में खाने में ही लगा हुआ था। कभी कचौरियाँ याद आ जाती तो कभी स्वादिष्ट रायता, लेकिन लाडले के अलावा बूढ़ी काकी के प्रति किसी के मन में भी कोई सहानुभूति न थी। रात के 11 बज चुके थे, सभी मेहमान आराम कर रहे थे। हारी थकी रूपा भी सो चुकी थी, लेकिन लाडली थी जो जाग रही थी। वह उस समय की प्रतीक्षा में थी जब अपने हिस्से का मिला हुआ खाना बूढ़ी काकी को जाकर खिलाए। रूपा को पता लगने पर पिटाई होने के डर से माँ के सो जाने का इंतजार कर रही थी। माँ को सोता देखकर लाडली चुपके से अपने हिस्से की पूरियां लेकर काकी के पास पहुंची। बेसब्री से इंतजार कर रही काकी एक ही झटके में सब खा गई, परंतु इससे काकी की भूख और बढ़ चुकी। काकी ने लाडली से मेहमानों के भोजन करने के स्थान पर ले चलने को कहा, परंतु वहां पड़े टुकड़ों को चुन चुन कर खाने के बाद भी उसकी भूख नहीं मिटी। अंत में काकी ने लाडली से झूठी पत्तलों के पास चलने को कहा। इसी बीच रूपा की आंख खुल गई। लाडली को अपने पास न पाकर रूपा ने इधर उधर देखा, पत्तलों के पास लाडली को देखा। रूपा बूढ़ी काकी को पत्तलों की जूठन चाटते देखकर आत्मग्लानि और पश्चाताप से भर उठी। आज उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसकी सोई आत्मा जाग चुकी थी। आज उसने बूढ़ी काकी को धमकाया नहीं, बल्कि उठकर साथ चलने को कहा। उसने सोचा कि बूढ़ी काकी की जायदाद से हमें इतनी आमदनी हो रही है, उसके लिए मैं भरपेट भोजन भी नहीं दे सकती। वह अपने आप को धिक्कारने लगी। भगवान से अपने किए अपराध के लिए क्षमा मांगती हुई रूपा अपने कमरे में चली गई और पकवान तथा मिठाई का थाल लेकर बूढ़ी काकी के पास पहुंची। और यही कहानी का अंत है कि अंत में रूपा अपराधिनी को अपने अपराध का एहसास होता है और पश्चाताप स्वरूप वह काकी को वह सब कुछ खिलाती है जिसके लिए काकी का मन लग जा रहा था। कहानीकार कहते हैं कि भोजन के उस थाल को देखकर काकी का मन आनंदित हो उठा। रूपा ने बड़े प्यार से भोजन करने के लिए कहा और विनती की कि वह ईश्वर से प्रार्थना कर दे कि हमारा अपराध क्षमा कर दे। बूढ़ी काकी को उस समय स्वार्गिक आनंद की अनुभूति हो रही थी।